Hi, welcome to the channel everyone. So what this vlog is about, aaj hum ja rahe hain mera ek new helmet lene. Kaun sa helmet hai wo shayad aapko video ke description mein bhi mil jayega, maybe shayad. For now it's just this that main already ek helmet dekh ke aa chuka hu, to already ek RE ka helmet hai but wo half face hai, full face koi bhi nahi hai. तो फुल फेस एक हेलमेट होना चाहिए फॉर मोर प्रोटेक्शन. प्लस मुझे व्लॉगिंग के टाइम पे, जब हम मोटो व्लॉगिंग के टाइम पे टूरिंग पे होते हैं तो उस टाइम भी कोई स्टोरी पूरी नहीं बता पाते, तो उसके लिए भी मुझे एक हेलमेट चाहिए. तो वो चीज़ प्रॉपर हो नहीं पा रही, मज़ा नहीं आ रहा. अलग से वॉइस ओवर डाल लो, फिर वो कभी वॉइस में उतना इंटेंसिटी होगी, कभी नहीं होगी. सो आर्टिफिशियल करने में वो मज़ा नहीं आता. तो पुणे में जो एक कुछ अच्छी जगह हेलमेट्स मिल सकते हैं, प्लस ऑथेंटिक कॉन्फिडेंट बंदा जो हमें हेलमेट बेचता है पुणे में, कोई ऐसा वेंडर वो मैं जानता हूँ जहाँ हम आज जाने वाले हैं. Later that same evening. अभी तक तीन जगह जा चुके हैं, वहाँ पे हमें दो जगह जा चुके हैं, वहाँ पे हेलमेट नहीं मिला. प्रो बाइकर में नहीं, ख़त्म हो गया बिल्कुल, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा चल रही है. और दूसरा मोटो सेंट्रल, वहाँ पर भी, और बोल रहे हैं कि सब जगह नया स्टॉक आ रहा है, नए प्राइजेज आ रहे हैं. और प्राइजेज भी कैसे जा रहे हैं, हज़ार हज़ार रुपये ऊपर. तो अब यहाँ पे आए हैं अपना ओपन रोड, बैड लक अगेन. ये राइनॉक्स की जो आपको साइन दिख रहा है, यहाँ पे पहले ओपन रोड था, वो शिफ्ट हो गया यहाँ से मुंडवा. तो इट्स अ बैड लक टुडे, आज तो कुछ काम नहीं बना. ये व्लॉग आगे जाके कंटिन्यू होगा, कहीं होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. बाय. Days later. Everyone, so today is 12th May. अभी हो रहे हैं 11:30. I was thinking to visit for a helmet because कोई भी आगे ट्रिप या राइड होने से पहले मेरे पास वो हेलमेट हो तो अच्छा है. Why I'm saying this? Because इससे पहले वाला जो पार्ट आपने देखा, I was really disappointed and मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया. Why I was disappointed? Because मैंने 3 शॉप्स घूमा, वहाँ पर भी मुझे वो हेलमेट नहीं मिला जो मैं ऑलरेडी देख के आया हुआ था. मुझे मैट ब्लैक चाहिए, SMK का ग्लाइड. मैंने सुना है कि उसमें न्यू मॉडल्स आ गए हैं टेकर के, गलरिंग के. तो उसमें कुछ ऐसे मॉडल्स हैं टेकर एंड यूनिकलर एंड ऑल. अब लेट्स सी क्या होता है, कौन से मिलते हैं. मुझे स्टोर से कॉल तो आया था कि कुछ स्टॉक आ गया है उनके पास. आई नो दिस इज़ इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ नॉट एक्सपेंडिचर. अगर आप कोई भी गियर पर एक्सपेंड कर पैसे खर्च करते हो, वो आपकी सेफ्टी के लिए. सो यहाँ पे खर्चा करना बनता है. सो आई विल सी यू. पता नहीं व्लॉग हो पाएगा कि नहीं आगे, बट मैंने सोचा ये अपडेट बना दूँ यहाँ पे. Two moments later. Alright, so I am right now at store Musafir's, the Wanderers. Gloves भी सिलेक्ट किए हैं, बट लेट्स सी एक बार अभी उसे डील का क्लोज करने का देख रहा हूँ कितना होता है क्या होता है. और हिसाब से फाइनली ये दिख रहा है, SMK का न्यू मॉडल है. दिस इज़ गल्विंग नॉट ग्लाइड. बात बनने वाली है, बट देखते हैं. ये हेलमेट ECE 22.05 रेटिंग सर्टिफाइड है. इसका मतलब होता है इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप से सर्टिफाइड, जिसमें मिनिमम सेफ्टी लेवल जो रिक्वायर्ड है एक हेलमेट के लिए वो इसमें है. यूरोप में अगर आप कभी राइडिंग करते हैं तो आप इस हेलमेट को भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है. और जैसे कि इंडिया की रोड्स पर ISI होता है वैसे ही. एंड दिस इज द लेटेस्ट रेटिंग 22.05 जो अभी यूज हो रही है, एंड दिस स्टार्टेड इन 1982. एंड बाकी जो इसकी फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं. ये बहुत ही प्यारी लगी मुझे, फिटिंग विटिंग इसका सच में अच्छा है. इट्स जस्ट ए कलर, अगर ये ब्लैक होता ना तो ले लिया था. जब बंदा गिरता है ना तो सिर और हाथ, ये दो चीज़ें ये इम्पैक्ट करती हैं. तुम हाथ से रोकते हो और ये जाता है सबसे पहले. अब ऐसे करके रोकोगे. तो ये वाले अपन फाइनल कर रहे हैं,
ठीक है ये वाला भैया को बहुत परेशान किया मैंने, कुछ 8-10-15 निकलवा चुका हूँ सारे ग्लव्स में, और मैंने बोला भैया सॉरी परेशान कर रहा हूँ, क्योंकि अब राइडिंग के टाइम पे कंफर्ट ज़रूरी है पूरा। एक बार आप गाड़ी में बैठ जाते हो और अगर आपके पीछे गाड़ियाँ लग जाती ना हाईवे पे, तो फिर आप बार बार रुक नहीं सकते। सो फाइनली हेलमेट की हो गई है डील अपनी, और हमने ले लिया भैया के यहाँ से हेलमेट। ये अब जो शॉप मैंने बताई है मुसाफिर द राइडर्स, मुझे कहीं पर हेलमेट नहीं मिल रहा था, ये एग्जैक्टली मॉडल नहीं मिल रहा था। एक दो जगह ऑर्डर भी किए हुए थे, पूछा हुआ था, लेकिन वहाँ पर वो ऑर्डर आया नहीं, डिले हो रहा है काफ़ी। एंड वही हो जाता है कि कभी कहीं जाना होता है तो उस टाइम पे अगर वो नहीं मिला फिर 15 डेज वेट, और लंबा वेट हो रहा है, इसलिए इट्स बेटर कि उसको क्लोज करवा दो और लेके शॉर्ट करवाओ। तो अभी ये ले लिया हमने, और क्या लिया वो मैं दिखाता हूँ। एक हमने एक ग्रैंड पिट स्टॉप का 3.0 वाला अपना चार्जर ले लिया, बिकॉज मेरा वाला चार्जर वो ख़राब हो रहा था और वो चार्ज भी नहीं फास्ट होता, 70% भी जाके अटका रहता है। और एक ये मैंने राइनॉक्स के ग्लव्स ले लिए, काफ़ी टाइम से लेने थे, एक टूरिंग ग्लव्स होने चाहिए, तो सॉर्ट ऑफ टूरिंग में भी काम आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बट इट्स गुड, कंफर्ट बहुत अच्छा है। और ये इसका चिन माउंट का वो मुझे बता दो एक, अगर दूसरा है तो ठीक है ना। ये हो गया, भैया ने बहुत हेल्प किया। भैया आपका नाम? सौरभ। यहाँ पे भैया मिलेंगे आपको, बहुत हेल्पफुल हैं, पूरा हेल्प किया और मेरे को झेला इतनी देर उन्होंने, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आना विज़िट करो भैया के पास। एड्रेस इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, सो दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द स्टफ़ यू कैन विजिट। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मुझे यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा ग्लव्स का कलेक्शन देखने मिला। सो दिस इज़ द शॉप, आई नेवर न्यू, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना पास में यह मेरे शॉप है। फाइनली लोकेट किया ये ब्रह्मा सन सिटी के पास, उसी बिल्डिंग में है। फाइनली अपना हेलमेट अपने सर पे आ चुका है। अभी ये साउंड थोड़ा ख़राब हो रहा है बिकॉज ऑफ विंड। मैं बस यही कह रहा था कि बंजी कॉर्ड जो मैं लेके आया था उसे मैंने हेलमेट का बॉक्स बांध दिया था, एंड अब ये हेलमेट हमारा आगे की राइड्स का साथी होने वाला है। सो लेट्स प्लान समथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू वॉन्ट। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट अ थम्स अप बटन, ऑल्सो शेयर इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।